हम सभी अपने घरों में छोटी मोटी फर्स्ट एड किट, मेडिकल किट बना करके रखते हैं और रखना भी चाहिए हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने तो शुरुआत की थी थोड़ी मोटी दवाइयों से, बट धीरे धीरे अभी बहुत सारी और चीज़ें पता चलती गई। और अभी तो मैंने कुछ वक्त पहले एक बीपी मॉनिटर भी ख़रीदा था, क्योंकि हस्बैंड का बीपी ज़रा चेक करते रहना पड़ता है, उनका थोड़ा बीपी का इशू है। एंड मैंने लेटली अपनी मेडिकल किट में एक और टूल ऐड किया है, और यह है ब्लड ग्लूकोमीटर। इनकेस आपको नहीं पता है कि वॉट इज़ अ ग्लूकोमीटर, तो ग्लूकोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका इस्तेमाल करके आप आपके ब्लड शुगर लेवल्स का पता लगा सकते हो। तो ऐसे लोग जिनको डायबिटीज है या बॉर्डरलाइन डायबिटिक हैं या फिर बढ़ती एज के साथ भी, तो और भी कई वजह हो सकती हैं, तो इन सभी के लिए घर में एक ग्लूकोमीटर होना भी जरूरी है। मेरे पास जो ग्लूकोमीटर है ये अगारो ब्रांड का है, और इसे यूज करके आप घर पर ही मिनटों में ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। ये एक कैरिंग केस में आता है, और अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हो ना, तो तब भी आप इसे अपने साथ में रख सकते हैं। कैरिंग केस के अंदर आपको मिलेगी ग्लूकोमीटर मशीन, इसके साथ आपको एक बैटरी भी मिलेगी, और फर्स्ट टाइम आपको ये बैटरी मशीन में लगानी होगी। और इसके साथ आपको मिलेंगे 10 पीसेस टेस्ट स्ट्रिप्स, और साथ में 10 पीसेस लैंसेट यानी के नीडल्स भी आपको मिलेंगे। ग्लूकोमीटर के टेस्ट स्ट्रिप्स और लैंसेट्स खत्म हो जाने पर आप इनको अलग से भी ऑर्डर कर सकते हो। ये है लैंसिंग डिवाइस जिसका यूज पियर्सिंग के लिए किया जाता है। इसके एक तरफ एक कैप दी गई है, इसे ओपन करके आप अंदर नीडल प्लेस कर सकते हो। नीडल स्किन में कितने अंदर पियर्स होनी चाहिए उसके लिए यहाँ पर आपको लेवल्स भी दिए गए हैं। यह है 1 से 5 तक, और लेवल 5 लेवल 1 के कंपैरिजन में ज्यादा डीप पियर्स करेगा। आप अपने हिसाब से एक लेवल सेलेक्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ एक कॉकिंग कंट्रोल दिया गया है, जिसे खींचने से ये जो ऑरेंज कलर का रिलीज बटन है ना, ये ऊपर आ जाता है, जिसे प्रेस करके नीडल को आगे की तरफ रिलीज किया जाता है। इसमें आप डेट एंड टाइम भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए मशीन पर दिए गए SNM बटन को साथ में प्रेस करें। इसके बाद सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा यह है ईयर, इसे सेट कर लें। वैल्यू आप एस से बदल सकते हो और मोड M से चेंज कर सकते हैं। सेटिंग पूरी हो जाने के बाद M बटन को लॉन्ग प्रेस करके इसे लॉक कर लें, और साथ में आपको मिलेगा एक यूज़र मैनुअल भी, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स दी गई हैं। यूज़ करने के लिए सबसे पहले लैंसिंग डिवाइस को तैयार करना होता है। इधर से लैंसेट नीडल अंदर डालें, नीडल को अच्छे से प्रेस करें, और इसके बाद ऊपर का ये गोल हिस्सा तोड़कर निकाल दें। अंदर आपको नीडल दिख जाएगी। ध्यान से कैप को वापस लगाएं और 1 से लेकर 5 तक के पियर्सिंग लेवल में से एक वैल्यू सेलेक्ट करें। मैंने 3 सेलेक्ट किया है। अभी ऑरेंज कलर का जो रिलीज बटन है, इसको सेट करने के लिए कॉकिंग कंट्रोल को पीछे की तरफ खींचें। अब आप रेडी हैं टेस्ट के लिए। यूजुअली फिंगर से टेस्ट सैंपल लिया जाता है। फिंगर को पहले अच्छी तरह अल्कोहल से पोंछ लें, और फिर लैंसिंग डिवाइस को रखकर रिलीज बटन प्रेस करें। पियर्सिंग एकदम एफर्टलेसली हो जाती है, और इसका पता तक नहीं चलता है। स्किन को साइड से थोड़ा प्रेस करें ताकि ब्लड की एक ड्रॉप ऊपर की तरफ आ जाए। और अब ग्लूकोमीटर ऑन करें, इसमें टेस्ट स्ट्रिप डालें, ग्रीन साइड ऊपर और एरो नीचे की तरफ रखना है। अब एस बटन प्रेस करके आप टाइप ऑफ टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कंट्रोल सॉल्यूशन टेस्ट, बिफोर मील एंड आफ्टर मील टेस्ट हो जाते हैं। मैं सेलेक्ट कर रही हूँ आफ्टर मील टेस्ट। ऊपर ये इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा हो तब आप टेस्ट कर सकते हो। अब जो कोड आपको मशीन पर दिख रहा है, इसे आप टेस्ट स्ट्रिप के कोड के साथ मैच करके देखें, और ये दोनों कोड सेम होने चाहिए। अब टेस्ट स्ट्रिप को इस तरह से आप ब्लड सैंपल से टच करें, और विद इन 5 सेकंड्स ब्लड शुगर लेवल आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ये ब्लड शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, इसलिए कोई और इंडिकेटर यहाँ पर एक्टिवेट नहीं हुआ है। डिस्प्ले पर आपको और भी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ताकि आप पता लगा सकें कि ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल है या नहीं। ब्लड शुगर टेस्ट हो जाने के बाद आप टेस्ट स्ट्रिप को निकालें और डिस्पोज कर दें। लैंसेट की कैप को निकालें, और एक बटन के पुश से आप नीडल को सीधे डस्टबिन में डिस्पोज कर सकते हो। इसमें मेमोरी फंक्शन भी है, और 180 रीडिंग्स ये सेव कर सकता है। इस तरह से घर पर ही बड़ी आसानी से ब्लड शुगर लेवल्स का रिकॉर्ड रखा जा सकता है, और स्पेशली वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, उनके लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। इस प्रोडक्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया, आप इंटरेस्टेड हैं तो चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर द MNM सनवे। हेलो एवरी।
एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे और अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी ठीक ही हैं। मुझे बस थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा फीवर भी है। इसके लिए कल वीडियो मेरी जानी थी, बट मेरी ना बिल्कुल हिम्मत जवाब दे गई थी, मुझसे हो नहीं रहा था काम, तो इसलिए कल छुट्टी हो गई, उसके लिए सॉरी। ये है ना संडे का वीडियो है, इसमें कई दिन के वीडियो हैं बाय द वे। तो मैंने बनाया था ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में था उपमा। और ये देखो हस्बैंड का ब्लेजर, इट इज़ तैयारी कर रहे हैं, शाम को उन्हें पार्टी में जाना है। और ये आप देख रहे हो, शाम होते इतने मच्छर आ जाते हैं कि इसे हम लोग बाहर ही रखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये स्टीमर लगा दिया है, जब ये काम हो जाएगा तो मैं इसे चार्जिंग पे लगाऊंगी। रोज़ सुबह चार्ज करो, रोज़ शाम को मच्छरों से डील करो। और कौन सी पार्टी में जा रहे हो ये तो बता दो, अकेले ही जा रहे हैं ये? एनुअल इवेंट है, इनके ऑफिस का एनुअल इवेंट है जिसमें फैमिली इज नॉट इनवाइटेड। फैमिली इज नॉट इनवाइटेड, ओनली हस्बैंड इज इनवाइटेड। एक्चुअली वी नो इनके ऑफिस में ऐसा ही है, इनके क्लाइंट्स एंड सीनियर जो मैनेजमेंट है वो सब आते हैं, तो फैमिली को नहीं बुलाते। अरे ये वर्टिकल और ऐसे हॉरिजॉन्टल दोनों तरह से काम करता है, जरूरी नहीं कि टांग के ही करो। मैडम ये क्या गोवा से आई है क्या? ये हमारे पास वाली लड़की नहीं, ये पास वाली लड़की को नया शौक पड़ा है मम्मी पापा के वार्डरोब में से चीजें पहनने। कुछ दिखा, शर्ट पहनी दिखा। खुशी खुशी और खुशी को कोई कुछ नहीं कहेगा, अभी मेरी हेल्प करा रही है, फिर वो भाग जाती है बीच में। यार मतलब पता है तुझे इस आयरन में भी चीटियां घुस गई थी। अब ये देखो, ये देखो, ये जो इसने ऊपर शर्ट पहनी हुई है ये पापा की है, अंदर जो टी शर्ट पहनी है येलो वाली वो मेरी है, नीचे का पजामा भी मेरा है और चप्पल भी मेरी है। इसको अपने कपड़े पहनने का कोई शौक नहीं है और खरीदती भी नहीं है। मैं बोलूं कि ये ले ले बेटा, वो ले ले, नहीं ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। अरे वहाँ से तो ये कुछ और ही लेके आती है, मॉम जीन्स, मॉम जीन्स। फिर बाद में जाके खड़ी हो जाएगी मेरी अलमारी के सामने कि आज क्या निकालूं मम्मी का कपड़ा, कौन सा वाला। हमला करते हैं, हमला दोनों की दोनों। यार इसको और चमकाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये कपड़ा है ना, लेदर थोड़ी है, कुछ अलग सा है, लेदर नहीं है, पता नहीं क्या है। इसमें तेल लगा दूं हल्का? नहीं पास लाके दिखा क्या है, वैक्सीन है सॉर्ट ऑफ। फाइनली पापा ने जूते पे तेल ही लगा लिया। जॉनसन्स यो शो मी, और इसकी शक्ल देखो, ये ऑयल वाला है और ये बिना ऑयल वाला है। नए हो गए, नए हो गए, नए जूते, जूता प्रेमी। कितने जूते हैं तुम्हारे पास? एक दर्जन नहीं है अभी तक पास, गिनती नहीं है, सेफली बोल दिया, इतने नहीं। गिनती नहीं है पापा को। और थोड़े से ब्लैक वाले ग्रेप्स रखे हुए थे, तो कोई खा नहीं रहा था उसको, तो फिर मैंने सोचा कि इसका ना जूस निकाल देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जब मार्केट से लेकर आते हैं ना, जब बिल्कुल फ्रेश फ्रेश होते हैं तो तब सब खाना पसंद करते हैं, बट अगर एक दो दिन हो जाए तो एक आधा पिचका हुआ ऐसा वैसा निकलने लगता है ना, तो फिर कोई हाथ नहीं लगाता, तो वो या तो मैं सबको क्लीन कर करके दूँ, नहीं तो फिर मैं ये कर देती हूँ। तो मैंने जो ग्रेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट थे, और इसमें मैंने दो आंवले भी काट करके डाल दिए। ऐसे तो कोई आंवला खाता नहीं है, बट छुपा छुपा के दे दो, अचार बना दो, मुरब्बा बना दो, तो सब खा लेते हैं। तो मैं जूस में भी थोड़ा सा आंवला काट देती हूँ, तो ये बहुत ही टेस्टी सा जूस तैयार हो गया था। काफ़ी स्वीट थे ना ग्रेप्स, तो वो अच्छे मीठे भी लग रहे थे, बीच बीच में हिंट आ रहा था आंवले के खट्टेपन का।
और ये जब मैं पी रही थी ना तो मुझे एक ही ख्याल आ रहा था कि मतलब अगर इसके पॉप्सिकल्स बनाए जाए ना बहुत ही टेस्टी लगेंगी, थोड़ा सा नमक वगैरह डाल देंगे ना तो थोड़ा खट्टा सा मीठा सा बहुत अच्छी पॉप्सिकल निकलेंगी इसकी, तो मे बी आई विल ट्राई। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है, सुबह सुबह से मैंने शुरू किया है। मैं एक्चुअली टिफ़िन बना रही हूँ खुशी का, खाली खुशी जाती है अभी स्कूल, शानू के जब पेपर होते हैं तो वो जाती है, लेकिन उसका टाइम थोड़ा सा लेट का है। तो मैंने यहाँ आलू गोभी फ्राई बनाया है, एकदम सूखी भुजिया जैसी बनाई है, कुछ ज़्यादा मसाले भी नहीं है उसमें, और साथ में मैं पराठा कर रही हूँ खुशी के लिए, और खा के चली जाएगी वो एक एग। उसको ना सुबह खिला के भेजना बहुत मुश्किल है, उसे कुछ भी नहीं खाना है और दूध तो बिल्कुल नहीं पीना चाहती, पर थोड़ा थोड़ा जो वो खा ले वो मैं कोशिश करती रहती हूँ। तो इस तरह से सिंपल सा एग वो खा लेती है, ब्रेकफास्ट हो गया, उसका डब्बा लेकर वो जा रही है अभी स्कूल। और आज मैं हस्बैंड का टिफ़िन बना के देने वाली हूँ। एक्चुअली ही वाज सेइंग कि टिफ़िन बना देना, मैं पता नहीं कितने वक्त के बाद, शायद साल ही हो गया होगा, साल से भी ज़्यादा, कि टिफ़िन बना रही हूँ हस्बैंड का। कुछ बना हो थोड़ा मोड़ा वो लेकर चले जाए वो एक अलग बात है, बट प्रॉपरली बना रही हूँ मैं कि टिफ़िन बनाना है, तो ये तो इस वाले ऑफिस में शायद पहली बार ही है। तो मैंने जो आलू गोभी है ड्राई सी फ्राई सी वो सुबह ही बना ली थी, तो सूखी सब्ज़ी में वो हो जाएगी। और एक और सब्ज़ी के लिए मेरे पास पनीर रखा हुआ था, मैंने रात में उसे पानी में डाल करके रखा था, तो उसकी क्विक सी सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। मैंने पैन में थोड़ा सा डाला था ऑयल, ऐड कर दिया है जिंजर गार्लिक हरी मिर्ची और प्याज। हरी मिर्ची तीखी हो तो मत डालिएगा, वैसे हरी मिर्ची डलती भी नहीं है यहाँ पर, मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ सिंपल वाला, एकदम सिंपल वाला। यहाँ मैंने थोड़े से टमाटर ऐड कर दिए और हैंडफुल काजू भी ऐड कर रही हूँ, और ये सारी चीज़ों को मिला करके पकाना है। कुछ लोग यहाँ पे खड़े गर्म मसाले भी डाल लेते हैं, तो आप चाहे तो वो कर सकते हो, बट फिर वो ना चुन चुन के निकालने पड़ेंगे, सुबह में इतना टाइम होता नहीं है, तो मैंने वो नहीं किया। टमाटर एकदम सॉफ्ट पक जाए तब तक के लिए इसको पका लेंगे। और यहाँ पे सानवी और उसके पापा के लिए मैंने एक एक वापस से एग बना दिया है। जो मसाला भुना था ना वो ठंडा हो गया था, तो मैंने उसको पीस लिया है। यहाँ पे पैन में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, बटर भी आप मिला सकते हो। ऐड किया है मैंने थोड़ी सी कलर वाली जो मिर्ची रहती है, और इसके बाद जो प्योरे पीस करके रखी थी ये सारा मसाला मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी खड़े मसाले नहीं पीसे हैं, तो सारे के सारे मसाले मैं यहीं पर करूँगी अभी ग्रेवी में। थोड़ा सा कसूरी मेथी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, पनीर बटर मसाला में बहुत अच्छी लगती है कसूरी मेथी। ऐड किया है मैंने थोड़ा सा किचन किंग पाउडर, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। रूटीन के जो मसाले रहते हैं वो भी मैंने थोड़े थोड़े सभी मिला लिए थे, और इसके बाद फिर इसको मैं टेस्ट कर रही हूँ कि नमक मिर्ची वगैरह सही लगे तो, एंड देन बस इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको मैं पका लूँगी, ये बढ़िया पक जाए, बेस अच्छा रेडी हो जाए, तो इसके अंदर फिर मैं ना पनीर मिलाऊँगी। इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिला सकते हैं आप, थोड़ी सी टार्ट बैलेंस करने के लिए, चाहे तो केचप भी मिला सकते हैं। जो रूटीन के मसाले रहते हैं वो आपकी चॉइस से डालिएगा, कम ज़्यादा कितना आपको पसंद आता है। थोड़ा और इसे रिच करने के लिए इसमें बटर और क्रीम भी मिला सकते हो, बट मैंने एकदम सिंपल वाला बनाया है, बहुत हैवी नहीं करके बनाया, ये बहुत फ्लेवरफुल था, लाइट भी था एंड काफ़ी टेस्टी भी बना था। और ये अभी हस्बैंड का डब्बा पैक हो रहा है, तो ये वाला टिफ़िन आपको याद होगा मैंने सानवी खुशी के लिए मंगाए थे, बट खुशी इसको ले जाना पसंद नहीं करती, बड़ा लगता है उसको, और शानू तो अभी टिफ़िन ले ही नहीं जाती, तो इसमें ही मैं आज हस्बैंड को टिफ़िन दे रही हूँ। तो सूखी सब्ज़ी में आलू गोभी फ्राई है, देन पनीर बटर मसाला रख दिया है, खांसी आ गई थी, और इसके बाद मैंने पूछा था रोटी कर दो पराठा, तो ही सेड की पराठा कर दे, तो मैंने दो पराठे रख दिए हैं। थोड़ी मिठाई थी घर में तो मैंने डब्बे में रख दी है कि ऑफिस में शेयर करके खा लेंगे, क्योंकि मीठा ना मेरे घर में अब सब बहुत कम खाते हैं, मैं बनाती हूँ तो वो खा लेते हैं, बट बाहर से किसी भी प्रसंग में आए तो वो है ना फिर कोई उतना ज़्यादा पसंद से नहीं खाते। थोड़ा दही रखा है मैंने, थोड़ा सा खीरा, और ये हो गया हस्बैंड का टिफ़िन रेडी।
बाय शानू, ऑल द बेस्ट, माय हस्बैंड। आजकल पता नहीं मेरा दिन कहाँ चला जाता है, और दो दिन से मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो उसमें तो और भी इतना मुश्किल होता है सुबह से शाम तक दिन निकालना। इतने सारे काम होते हैं, पहले ही फुर्सत नहीं मिलती थी और अभी थोड़ा सा शरीर साथ नहीं देता है तो काम निपटाना इतना मुश्किल हो जाता है। शाम में मुझे थोड़ी सी सब्ज़ियाँ चाहिए थी और फिर मैंने हस्बैंड को पूछा कि दिला लाओगे, तो ये सेट कि हाँ चल थोड़ी देर बाहर को निकल के जाते हैं, लेकर के आते हैं। तो मैंने थोड़ी सी सब्ज़ियाँ ली थी। सब्ज़ियों में ना बेसिकली मुझे जो मसाला रहता है जैसे कि प्याज, टमाटर, अदरक, नींबू, धनिया, इसी की ज़्यादा ज़रूरत रहती है कि ये मुझे अच्छा वाला फ्रेश मिल जाए। उसके बाद तो जो रेगुलर सब्ज़ियाँ होती है जैसे लौकी, गोभी वगैरह, ये अगर नहीं भी हो तो भी कुछ ना कुछ हम लोग कर ही लेते हैं। तो ये लेकर आई थी मैं, और जहाँ से सब्ज़ी ली थी उसके बिल्कुल चार कदम दूरी पर ही अच्छे फ्रूट सेलर भी थे, तो मैंने यहाँ से फिर फ्रूट्स भी ले लिए थे। किसी पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो मेरा जो गैस स्टोव है उसके जो पार्ट्स है ना वो मैं डिश वॉशर में धो देती हूँ, तो मुझे एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि दीदी वो भी तो सब लोहे के होते हैं तो क्या डिश वॉशर में चल जाता है। तो मुझे लगता है ये लोहे के नहीं होते, ये थोड़े से मिक्स्ड रहते हैं, अलॉय होगा कोई तरह का। मैं इसे धोती हूँ तो ये अच्छे साफ़ आते हैं, लोहे जैसा इशू नहीं आता, इसलिए मैं इसमें धो लेती हूँ। एक्चुअली इतना ग्रीस ये जकड़ लेते हैं ना कि अगर हाथ से धोने बैठेंगे तो फिर घिसना पड़ेगा, और एक बार घिस के किसी चीज़ को साफ़ कर दें तो फिर उस पर है ना अजीब से स्क्रैच आ जाते हैं और फिर वो और ज़्यादा गंदा होने लगता है, जल्दी जल्दी गंदा होने लगता है। तो मैं इसलिए इसको डिश वॉशर में धो देती हूँ, एंड कोई जंग वंग का इशू नहीं है, बहुत बढ़िया साफ़ होके आ जाते हैं। तीन ही धोए मैंने, मैं चौथा ना भूल गई थी एक्चुअली। तो ये सुबह मैं अभी डिशवॉशर खोल रही हूँ, नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो गई है, ये मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो मैंने सबसे पहले गैस ही अरेंज कर दिया है और अपने लिए गर्म पानी रखूँगी मैं, एंड इसके साथ आगे इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो या चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।